अभी मैंने इधर रख दिया है सूखने के लिए डब्बा। आज मैंने नुकसान कर दिया, मूड खराब हो गई। What's up guys? How are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 6:30 बजे हैं। आज तो भी जल्दी से मैंने व्लॉग चालू किया है, अभी थोड़ा ठीक भी लग रहा है पहले से। तो वीक हो गई हूँ खाली बहुत। और अभी को पूछा मैंने नाश्ता खाने आ रहा है तो थोड़ा बिजी है, बोले मैं लेट आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगाई, स्किन केयर किया, नींद तो बहुत मस्त की है, अच्छे से काम उतरा है, बस ये टेंसेस पड़ा है, ये लगाने हैं और नाश्ता वगैरह खाऊंगी, चाय पीऊंगी और थोड़ा ब्रांड का शूट है कुछ, वो थोड़ा कंप्लीट रह गया है, थोड़ा वो करना है मुझे, वो मेरे रहते ही है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुझे काम रहता ही है। काम तो कम होता नहीं है मेरे घर में, वो भी काम घर का भी नहीं छूटता है, सोशल मीडिया का भी नहीं, मीन्स काम का प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर, ऐसा हो जाता है, काम बहुत है घर का बोलो सोशल मीडिया का, तो वो रहता ही है। बस अभी थोड़ा इनका वेट कर रही हूँ, आ जाए नाश्ता वगैरह खाऊँ, चाय वगैरह पीऊँ, तो मैं अपने थोड़े काम पे लग जाऊँगी और आपसे भी मिलती रहती हूँ, बातें भी करती रहती हूँ, ब्लॉग भी करती रहती हूँ। आज तो कहीं नहीं जाना, ड्रेस इनको याद ही नहीं, देखो आज मिलने वाली, गए तो नहीं है ये लेने, अभी बाद में जाएंगे नाश्ता खा के फिर लेके आएंगे। लेकिन आपको तो वैसे भी मैं रक्षाबंधन को ही शो करूँगी, ड्रेस मस्त है मेरी, तो उसका भी वेट है, आए तो नाश्ता खा के जाएँ तो इनको याद कराऊँगी मैं, ड्रेस लेके आओ, मेरी अल्टर की रेडी हो चुकी होगी तो वो भी लेके आएंगे। जो थोड़े ब्रांड के वीडियो थे वो मैंने शूट किए, अभी काजल के लिए रायके तड़के वाले राइस बनाती हूँ जो काजल के फेवरेट है। तो काजल को समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं और अभी भी अभी तक नहीं आए हैं, 7:30 मुझे लग रहा है बज गए हैं, बोले हाँ नाश्ता खाने मैं आऊंगा, अभी तक तो नहीं आए हैं। मैंने इतना ब्रांड का शूट किया, कितनी देर से बैठी हूँ, रेडी हुई हूँ, तभी भी अभी तक नहीं आए हैं। अभी काजल को मैंने बोला तू जब तक खा ले नाश्ता, नहीं तो फिर ये आएंगे ना जल्दी जल्दी, इनकी चाय वगैरह मैं रख देती हूँ अभी ये साइड अपनी, मैं चाय भी बना देती हूँ कि तो आएंगे फिर जल्दी जल्दी करेंगे, फिर इनकी चाय भी रुल जाएगी, इसके अच्छा मैं चाय रख देती हूँ, काजल का नाश्ता रुल जाए तो इसके लिए राय के तड़के वाले राइस बनाती हूँ, थोड़े से ही राइस पड़े हैं, काजल बोलती है मैं खाऊंगी क्योंकि तो मिक्स भी करा है तो काजल को अच्छा लगता है राय के तड़के वाले राइस, और उसमें मिर्ची हल्दी डाल के और मिक्स पड़ी है, मिक्स ऊपर से डाल के खा देगी। तो अभी काजल के नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ मैं जल्दी से कि तो आ जाएंगे अभी, फिर काजल का रुल जाएगा नाश्ता, ऐसा हो जाएगा। कितना जल्दी से मैं रेडी होके बैठी हूँ, आ जाएंगे करके, कब से मेरे ब्रांड के वीडियोस भी शूट हो गए थोड़े बहुत, तब भी ही अभी तक नहीं पहुंचे, मैं बैठी थी पहले, मैं बोली आ जाएंगे उसके बाद मैं अपने शूट कर रही हूँ, फिर मैंने बोला जब तक आए मैं शूट कर ले रही हूँ, एक तो काम हो जाएगा मेरा, इनको बहुत लेट हो गई है आज काम में, हो जाए नाश्ता तो चाय भी बना ले रही हूँ, थोड़ा स्लो फ्लेम पे रख दूंगी, जब तक नाश्ता खाएंगे चाय रेडी होगी तो पहले मैं नाश्ता आते में छोड़ते पहले मैं इनको चाय दूंगी, जैसे फटाफट से ये शॉप पे जाए। और ड्रेस का तो अभी तक अता पता नहीं, आए तो मैं बोलती हूँ फिर शॉप बंद करेंगे ना तभी आप ड्रेस लेते आओ, नहीं तो फिर वो भी भूल जाएंगे, फिर वो ड्रेस भी कल ही आएगी, आएगी तो मैं थोड़ा पहन के देखूंगी ना अल्टरेशन बराबर हुई है नहीं हुई है देखना पड़ेगा, इतनी लूज थी, बहुत लूज थी, वेट बहुत लॉस हो गया मेरा, आया है फोन इनका। जस्ट अभी अभी हबी का फोन आया, शॉप पे चले गए हैं, बोले मुझे लेट हो गया, मैं शॉप पे चला गया हूँ और इधर मैं आश्रय बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ आए तो मैं नाश्ता खाऊं, जब तक वीडियो शूट कर रही हूँ, नाश्ता काजल का बनाया, अभी फोन कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, मैं अभी चाय रख रही हूँ, तो अभी चाय काजल और मैं पियेंगे, बाद में बनाती हूँ पहले खा लेती हूँ, कि तो राइस भी थोड़े ही थे, खाली काजल के ही बने हैं, मैंने बोला चावल भी इतने थोड़े हैं, तो बोले थे अभी क्या खाएगी, मैंने बोला मिक्स पड़ा है वो खाती हूँ, क्योंकि तो वेफर्स वगैरह कुछ भी नहीं खाना है मुझे, फ्राई पहले से ही थोड़ा सा कफ है, बाकी तो ऐसे ठीक हूँ, थोड़ा सा कफ रह गया है तो अभी मैं फ्राई खाऊंगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे अच्छा जो मिक्स पड़ी है मैं वो मिक्स खाती हूँ फिर चाय पी लेती हूँ, काजल को तो मैंने राइस बना के दिए बाकी मैं मिक्स खा लेती हूँ अभी, काजल और मैं चाय पी लेते हैं। इतना टाइम हो गया 8:30 बजे इन्होंने फोन किया है, मुझे तो पता है 8 बजे तक ये तो अपना शॉप पे चले जाते हैं, 8:30 बजे इन्होंने फोन किया है, मैं तो अभी किचन में ही थी नाश्ता बना रही थी काजल का, तो मुझे पता नहीं था टाइम कितना हो गया है, तो मैं भी रूम में बैठ के शूट कर रही थी, काजल यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी, मैं बेडरूम में जाके अपना शूट कर रही थी ब्रांड का, तो अभी 8:30 बज चुके हैं, मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। फिर इनका फोन आया यहाँ पे, मैंने फिर काजल का नाश्ता किया, जाके बैठी खाने के लिए, देखूं तो टाइम हाई 8:30 बज चुके हैं, अब इसके बाद ये आएंगे भी क्या 8:30 बजे, क्योंकि तो इनको शॉप पे जाना पड़ता है जल्दी से,
तो ये शॉप पे भी लेट पहुंचे हैं, बोल रहे थे मेरा काम ही रह गया, मैं दौड़ दौड़ के अपना आया हूँ शॉप पे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप फोन तो कर देती थी, मैं नाश्ता खा लेती थी ना, मिक्स पड़ा था बहुत, तो मैंने मिक्स ही लेके खाया। पता होता था तो मैं राइस ज्यादा बना लेती हूँ, फिर काजल का और मेरा दोनों का बना लेती हूँ राई के तड़के वाले राइस। लेकिन राइस भी एक जने के ही पड़े थे, वो काजल के हो गए, फिर मैंने मिक्स खा लिया। अभी पेपर गया, अभी बस थोड़ी चाय पी लेते हैं काजल और मैं। चाय की मुझे आदत है, लेट टाइम पे चाय ना मिले ना तो इवनिंग ही मेरी नहीं जाती है। चाय के बगैर पूरा मेरा इवनिंग अधूरा है, बगैर चाय के, नाश्ते के बाद मुझे चाय चाहिए। अभी देखे खाने की तैयारी क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चाय का भी डब्बा मैंने धुला लिया है, और ये अलग चाय यहाँ पे रखी है, जो डब्बा सूखेगा तो फिर चाय डाल दूंगी, चाय पत्ती। और ये शक्कर रही, शक्कर तो डब्बा पहले ही धुला के मैंने भर्ती कर दिया था, भर दिया था। ऐसा ही हो गया है मुझे, मेरी हल्का शो हो गया ना, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अभी मैंने इधर रख दिया है सूखने के लिए डब्बा, पहले बर्तन में पड़ा था, अभी इधर रखा, वह सूख जाए तो फिर मैं लगा लेती हूँ। चाय खाली होते हैं ना तो फिर मैं डब्बे धुला लेती हूँ, जैसे फिर अच्छा लगेगी। तो ये बाहर ही पड़े रहते हैं ना चाय पत्ती और शक्कर के डब्बे, तो जब भी खाली हो ना धुल जाए तो अच्छे। और शक्कर भी एक्स्ट्रा ये इन्होंने मंगा लिए, ऐसे मंगा लेते हैं, 1-1 kg की लेके आते हैं, जैसे मुझे पलटी करने में आसानी हो, एक साथ में वजन नहीं उठा पाऊंगी ना इसलिए। बाकी किचन तो पूरा मस्त क्लीन पड़ा है, बस अटेंसेस लगाने हैं, बाकी किचन क्लीन है। खाना बनाने के टाइम लगा देंगे या काजल रात को लगा देगी। बाकी खाने की अभी पूछती हूँ दोनों से, खाना क्या खाएंगे। चाय तो बन गई है, फटाफट से पूछ लेती हूँ दोनों को, चाय पी के इनको फ़ोन करूँगी अभी। भाई बताओ खाना क्या खाना है, समझ में नहीं रहा। 9 तो बज गए हैं, आज बहुत लेट हो चुकी है, मीन्स टाइम का पता ही नहीं चला। शूट में मैं शूट में ना इतनी गुम हो जाती हूँ ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। कैमरा मिली मीन्स मुझे मीन्स मैं गुम, कैमरा मेरे हाथ में आनी नहीं चाहिए, मैं गुम हो जाती हूँ। और ये मैंने देखो क्या कर दिया, वाइट टी शर्ट, ये ब्रांड ने दी थी मुझे वाइट टी शर्ट, और मैंने उस पर हल्दी का दाग लगा दिया राइस बनाने के टाइम पे। एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गई, ये वाइट पेन नहीं मांगती थी मुझे, तो ये मैंने वाइट पहनी और यहाँ पे हल्दी का निशान हो गया। चलाया है कि आई है, तो काजल ने चलाई है हमारी फेवरेट, कौन सी, स्ट्रेंजर थिंग्स। इतना मैं वेट कर रही हूँ आश्रम और स्ट्रेंजर थिंग्स आए तो वो मैं देखूँ, बहुत वेट कर रही हूँ। कादर को बोली थी गूगल में देख आश्रम कभी आएगी, आश्रम तो ये मंथ में या तो स्टार्टिंग में आने वाली है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में सितंबर के, तो वो भी देखनी है, बॉबी देवल की और स्ट्रेंजर थिंग भी देखनी है, दोनों में से कोई भी हो। और ये मुझे टी शर्ट का बहुत टेंशन हो गया, अभी मैंने इसको हल्दी वाला दाग लगा लिया, अभी ये उतरेगी कि नहीं। हल्दी का दाग तो मुझे नहीं लगता है उतरेगी, ये तो गर्मी में ऐसे वाइट कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। मैंने ब्रांड का था ना शूट, तो उसके लिए मैंने ये वाइट टी शर्ट पहनी, इतनी अच्छी है। मैं बाहर जीन्स पे पहन के जाती हूँ या घर में शॉर्ट्स पे भी पहनती हूँ ना, बहुत अच्छी लगती है, बाहर पहनने के लायक है। अभी उस दिन काजल घूमने चली, ट्यूजडे के दिन काजल ने ये पहनी वाइट, चलो अच्छी है मम्मी मैं पहन रही हूँ। तो ये यहाँ पे दाग हल्दी का, अब ये वाइट से दाग उतरेगा ही नहीं, घर में ये पहनना ही नहीं चाहिए मुझे। काम में एक तो मेरा दिमाग है अपने हिसाब से, काम में कुछ भी नुकसान करती रहती हूँ, ऊपर से ये वाइट पहन के आज मैंने नुकसान कर दिया, मूड खराब हो गई, मैंने वाइट टी शर्ट का नुकसान कर दिया। इतनी मस्त थी टी शर्ट, ये हमारी फेवरेट ही है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही बढ़िया है, तभी भी मैंने उस पर हल्दी का दाग करके अभी ख़राब कर दिया। अब ये पहनने के लायक है कि नहीं, थोड़ा सा ये नीचे देखते हैं, इनको बोलूंगी कुछ ऐसे लेके आओ जिससे हल्दी का दाग उतर जाए। जी अभी 9:15 है, चाय पी ली मैंने, अभी को भी फोन कर रही हूँ खाना क्या खाएंगे करके, अभी चेंज करूंगी उसके बाद मैं खाने पे खड़ी रहूंगी खाना बनाने के लिए। क्यों तो ये मैं खुद पे अभी विश्वास ही नहीं करूंगी, वाइट कपड़े मैं किचन में पहनूंगी नहीं, ये तो सत्यानाश कर दी ना मैंने, ये पूरा हल्दी का दाग करके सत्यानाश कर दी मैंने टी शर्ट। इनको भी बोल रही हूँ कुछ लेके आए तो वो लगा के मैं वाइट पे वो धो लूँगी, इतनी अच्छी टी शर्ट ख़राब कर दी मैंने, आज मूड ख़राब हो गया मेरा। तो अच्छे से उठी हूँ, मस्त ब्रांड के शूट किए हैं, नाश्ता बनाने लगी, और ये राइस होते हैं ना इसमें हल्दी बहुत पड़ती है, तो वो हल्दी थोड़ी गिर गई मेरे से, या हल्दी वाला हाथ लग गया कुछ, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या लग गया मेरे टी शर्ट को। तो अभी ये मैं चेंज करके सीधा मैक्सी पहनूंगी, उसके बाद खाने पे खाना बनाने के लिए खड़ी रहूंगी। इनसे भी पूछती हूँ क्या खाएंगे, 9:15 बज गए, बहुत लेट हो चुकी है, आज शूट में टाइम हो गया, ऐसे शाम का पूरा शूट में टाइम हो गया है, पता ही नहीं चला है कितना टाइम, 1 घंटा मुझे लगता है मैं शूट में बैठी हूँ, तो वो टाइम हो गया।
और मैं चेंज खाना भी पूछ रही हूँ और पूछूंगी भी इसके लिए कुछ लेके आए, इनको पता होगा कुछ ना कुछ भाई ये दाग कैसे उतरे। तो वो वैसे मैं धो लूंगी, वाइट है, खराब हो गई, तो मैं अभी ना किचन में कभी भी वाइट नहीं पहन के मैं खड़ी रहूंगी। वैसे मैं ये पहनती नहीं हूँ, कितनी बार मैंने ब्लॉग में पहना है, आज नहीं पहनना चाहिए था वाइट। चलो ठीक है, अभी मैं धुला लूंगी, मूड खराब हो गई तो हो गई। अभी मैं सीधा खाने पे लगूंगी चेंज करके और थोड़ी रेस्ट करूंगी, उसके बाद खाने के बाद फिर बैठ के सीरीज वगैरह देखूंगी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।